Audio Jungle. नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और आज दिन की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर लेकर हम आपके साथ एक बार फिर जुड़े हैं। और आज जिस तरह से जम्मू के जो कठुआ का इलाका पड़ता है जम्मू प्रोविंस के अंदर, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने एक टनल को खोज निकाला है और इस टनल के साथ ही पिछले 10 दिनों के अंदर ये दूसरी टनल होगी जो जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिली है। इस समय हम पानसर के इलाके में मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय जो वरिष्ठ अधिकारी हैं बीएसएफ के, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार उस टनल की जो है खोजबीन की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि ये टनल जो है पहले इस्तेमाल हुई है हुई होगी, इस तरह का जो है अंदेशा लग रहा है, क्योंकि ये टनल पुरानी टनल जो है खोदने में लग रही है। अंदर जो है वो पानी का पूरा कीचड़ जो है वो भरा हुआ है। तस्वीरें इस समय आप उस टनल की देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और उसके साथ साथ में अगर हम बताएं तो पिछले 10 दिनों में ये दूसरी टनल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो बीएसएफ ने जो है ढूंढ निकाली है। इससे पहले 13 तारीख को बोबिया में जो है एक टनल मिली थी जिसके दो मुख थे, दो मुख थे उस टनल के और दोनों मुख से कहीं ना कहीं घुसपैठ की कोशिश जो है वो की जा रही थी। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले एक बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं बीएसएफ के हाथों है, क्योंकि एक तरफ जहां बीएसएफ ने इस टनल को जो है वो ढूंढ निकाला है, इससे आतंकवादियों की घुसपैठ को रोका जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ जो हथियार सीधे एलओसी के माध्यम से कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान भेज रहा है उसका भी एक कैच जो है, एक हाइडआउट बस्ट किया गया है और वहां से हथियारों का जखीरा जो है वो बरामद किया गया। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देखेंगे तो ये पानसर का वो इलाका है और यहां से ठीक थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो उस टनल का मुहाना जो है बिल्कुल फेंसिंग के साथ लगता हुआ वो मुहाना जो है वो मिला है। और यहाँ पर इस समय जो है मीडिया के साथ साथ जो बाकी जितने भी सुरक्षा बल के जवान हैं, चाहे पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि इस पूरी टनल का जो है टनल के जो नक्शे का है वो पता लगाया जा सके। और इसके साथ साथ जो बीएसएफ के जवान जो है इस टनल के अंदर गए हैं उसमें से साफ तौर पर ये पता चला है कि ये टनल जो है देखने में पुरानी लग रही है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस टनल का इस्तेमाल जो है वो घुसपैठ के लिए किया गया होगा। क्योंकि पिछले 3 महीने में अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3 महीने में ये तीसरी टनल जो है वो इस इलाके में मिली है, वहीं पिछले 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में करीबन चौथी टनल है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर करीबन 10 टनल का खुलासा जो है वो बीएसएफ कर चुकी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी और टनल जो हैं इस इलाके में खोदी गई होंगी। और ये टनल जहां मिली है, इस टनल के ये जो पानसर की पोस्ट आप देख रहे हैं, पानसर के ठीक सामने शकरगढ़ का इलाका पड़ता है और शकरगढ़ में मसरूर बड़ा भाई के साथ साथ मसरूर बड़ा भाई जो है वो एक ऐसा लॉन्च पैड है पाकिस्तान के लिए, जहां से वो लगातार आतंकियों की न केवल घुसपैठ करवाता है बल्कि हथियार भी ड्रोन के रास्ते इस इलाके में जो है भेजे गए थे। लास्ट टाइम जो ड्रोन बीएसएफ ने मार गिराया था वो ठीक इसी पानसर के अपोजिट वाली साइड में जो है वहां पर मार गिराया गया था और उसके बाद हथियारों का जखीरा जिसमें M4 कार्बाइन जो हैं US मेड M4 कार्बाइन जो हैं वो भी पकड़ी गई थी। अब जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक एक बड़ा खुलासा जो है वो यहाँ पर हुआ है और जिस तरह से यहाँ पर इस टनल का भांडाफोड़ हुआ है, इस टनल को जो है बीएसएफ ने पकड़ा है, तो एक सिलसिलेवार तरीके से अगर हम कहेंगे तो पाकिस्तान की एक एक जो चाल है उसको नाकाम करते हुए बीएसएफ लगातार कामयाबी हासिल कर रही है। और गणतंत्र दिवस से ठीक पहले निश्चित रूप में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले बीएसएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ ने कठुआ के पानसर इलाके में एक
टेरर टनल को जो है वो खोज निकाला है, और महज 10 दिनों के भीतर ये दूसरी बड़ी जो है वो कामयाबी बीएसएफ के हाथों लगी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईजी बीएसएफ एनएस जमाल साहब मौजूद हैं। जमाल साहब, जो आज टनल मिली है पानसर के अंदर, क्या कुछ डिटेल्स हैं, कितना अंदर ये आई थी और किस तरह से इस टनल का जो है निर्माण पाकिस्तान की तरफ से हुआ? ये टनल डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हीरानगर सब डिवीज़न के अंदर पानसर के एरिया में मिली है, और ये टनल करीब हमको जीरो लाइन के ऊपर इसका एंट्री पॉइंट मिला है। करीब 150-160 मीटर लंबी टनल है, 25 से 30 फुट गहरी है और 2 से 3 फीट का इसका डाया है। इसके अंदर से जो सैंड बैग्स मिले हैं उसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग है, और करीब 2012 विंटेज के सैंड बैग्स मिले हैं, जिससे ये लगता है अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कि शायद ये पुरानी टनल है, लेकिन वो हम इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे फर्दर और क्या क्या एविडेंस आता है। चूँकि आज बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए हैं, तो एक आध दिन में और भी इसके ऊपर काम करेंगे और इसमें मिलेगा। सर, 10 दिनों में दूसरी टनल, 3 महीने में तीसरी टनल, और 6 महीने में ये चौथी टनल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है बीएसएफ ने खोज निकाली है। इतने बड़े पैमाने पर जो ये टनलिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, क्या लग रहा है कि फोकस जो है वो अब जम्मू बॉर्डर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है कि फोकस जम्मू बॉर्डर की तरफ हो गया है। पाकिस्तान को तो अपॉर्चुनिटी चाहिए कि चाहे वो LC है या IB है, दोनों से जहाँ भी मौका मिलता है वो क्रॉस कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ का कुछ टेरेन ऐसा है जो कि उनके लिए टनल खोदने के लिए थोड़ा कंड्यूसिव है, उनको फेवर करता है, तो उसका फ़ायदा उठा के, और उन्होंने कुछ एक ऐसी पॉकेट्स बना रखी हैं जहाँ पर कि इवन उनके सिविलियंस भी जो हैं वो अलाउड नहीं हैं। ये ऐसी साइट्स हैं जो पाकिस्तान ने सिर्फ टनल खोदने के लिए रखी हुई हैं, और वहीं पर ये कार्रवाई जो है वो करते हैं। हमें मालूम है ये साइट्स कहाँ कहाँ पर हैं, हम चौकस हैं, और उसके ऊपर जो भी उसी का नतीजा है, ये हमारा एक एंटी टनल कैंपेन चला हुआ है, उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और भी कोई टनल होगी तो हम उसको भी ढूंढ निकालेंगे। सर, पिछले अभी हाल ही में जो टनल्स मिली हैं उसकी रूपरेखा भी आपने देखा, निर्माण का कार्य भी देखा, तो आपको लगता है कि क्या खाली टेररिस्ट के माध्यम से इस तरह की टनल्स खोदी जा सकती है, या फिर पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है? नहीं नहीं, ये तो पूरा पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, वो तो सिर्फ टेररिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए टनल खोदी हुई है, क्योंकि अदरवाइज जीरो लाइन के पास में टनल खोदना, और एक टनल को खोदने के लिए 1.5 से 2 महीना लगता है, जिसमें 3 से 4 आदमी कम से कम जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते होंगे, तो कहाँ टनल खोदनी है वो जब तक आपके पास में प्रॉपर टेक्निकल डेटा नहीं होगा, इंजीनियरिंग एफर्ट उसमें इन्वॉल्व होती है, उसमें पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान रेंजर्स का जब तक कंकरेंस नहीं होगा तब तक कोई भी पार्टी जीरो लाइन के पास में नहीं पहुँच सकती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ के देखते हैं तो एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये दर्शाता है। और जिस इलाके में ये टनल खोदी जा रही है उसके ठीक सामने का जो इलाका पाकिस्तान के अंदर का जो आता है वो काफ़ी नोटोरियस माना जाता है, वहाँ पर कुछ लॉन्च पैड्स भी हैं अवेलेबल? बिल्कुल, ये पूरा शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इनका, और वो अपने आप में एक नोटोरियस डिस्ट्रिक्ट है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए। इसमें कम से कम 5-6 लॉन्च पैड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर, और उनमें से एक लॉन्च पैड इसी टनल के पास में मसरूर बड़ा भाई के नाम से है, तो उनके सारे लॉन्च पैड्स हैं जहाँ पर प्रेजेंस है, और हम लोग सतर्क हैं उस चीज़ को, अलर्ट हैं इस चीज़ को लेके। क्या कुछ नंबर भी शेयर कर पाएंगे कि जो लॉन्च पैड्स हैं उसमें कितने आतंकी अमूमन हो सकते हैं जो इन्फिल्ट्रेशन की फिराक में है इस समय? नंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, नंबर्स कितने हैं उस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि भटते घटते रहते हैं ये, कभी कोई LC की तरफ चले जाते हैं कभी इधर आ जाते हैं, तो वो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है। लेकिन टेररिस्ट हैं अक्रॉस, LC के उधर भी बैठे हैं, IB के उधर भी बैठे हुए हैं, और दोनों तरफ से कोशिश में हैं कि क्रॉस करें, ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। जब भी देश में राष्ट्र पर्व होता है, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जैसे समारोह जब देश में होने होते हैं, तब अक्सर देखा गया है कि एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। इस समय भी पाकिस्तान के उस पार जो है एक्टिविटीज़ बढ़ी हुई हैं, और जो इनपुट्स, क्या कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स हैं कि गणतंत्र दिवस के आसपास किसी तरह का कोई हमला या कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहा है? देखो, हमारे जितने भी नेशनल डेज होते हैं उसमें अक्सर कोशिश रहती है, और ये हिस्ट्री भी रही है, कि कोई ना कोई इंसिडेंट्स होते हैं, तो इनपुट्स हो ना इनपुट्स हो, हम हमारे अपने जितने नेशनल डेज हैं उनको लेके जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने होते हैं वो हमने एडुकेट किए हुए हैं, और हम पूरी तरह से
अलर्ट हैं। सर, हर साल एक रिवायत रहती है कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर मिठाई दी जाती है, क्या इस बार भी BSF की तरफ से ये तैयारी की गई है कि उनको शुभकामनाओं के रूप में जो है ये मिठाई दी जाएगी? देखो, शुभकामनाएं तो हमारी हैं, लेकिन इस बार जो माहौल है वो मिठाई वाला नहीं है, तो इस बार मिठाई नहीं दी जाएगी। हम इस समय कठुआ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पानसर इलाके में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे जो आप ये फेंसिंग देख रहे हैं, फेंसिंग के उस तरफ पाकिस्तान के वो कुख्यात इलाके पड़ता है, वो शकरगढ़ का वो कुख्यात इलाका जो हमेशा से आतंक का गढ़ माना जाता है। और ये जो पेड़ों का झुंड आप देख रहे हैं, इसके ठीक आगे जो है शकरगढ़ का इलाका पड़ता है। शकरगढ़ एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की जो सियालकोट से मिलती हुई है और पंजाब के साथ इसका बॉर्डर बाकायदा लगता है। इस शकरगढ़ के अंदर अभ्याल, डोगरा, किंगड़े की खड्ड और उसके साथ साथ में जो पहाड़पुर का जो इलाका पड़ता है वो इलाका जो है बेहद ज़्यादा संवेदनशील है। और यहाँ पर से ही आज जो है सुबह एक 180 मीटर लंबी जो भारतीय सीमा के अंदर एक टनल आई थी, उस टनल को जो BSF ने डिटेक्ट किया है। माना ये जा रहा है, जो अभी IG BSF ने बताया है उसके मुताबिक, ये टनल देखने में ज़रूर पुरानी लगती है लेकिन इसका इस्तेमाल घुसपैठ के लिए हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी अभी तक हासिल नहीं हुई है। उसकी जांच जो है फिलहाल चल रही है। और इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस से ठीक पहले इस तरह की बड़ी कामयाबी हासिल करना BSF के लिए एक बड़ी जो है सफलता की बात है। और इसके साथ साथ में क्योंकि शकरगढ़ के इलाके में जो जानकारी मिल रही है कि अभ्याल डोगरा, जो सबसे बड़ा अभ्याल डोगरा और मसरूर बड़ा भाई, ये दो सबसे बड़े लॉन्चिंग पैड जो हैं सीमा के उस पार कठुआ के सामने वाले इलाके में पड़ते हैं। और यहाँ पर अभी भी आतंकवादियों का एक दल जो है वो घुसपैठ की फिराक में था, अब वो इस टनल का इस्तेमाल कर घुसपैठ करने की कोशिश में था या फिर किसी और टनल, क्योंकि पिछले 10 दिनों में दूसरी टनल है और पिछले अगर हम 2 महीने की बात करें तो 2 महीने में तीसरी टनल जो है ये रिकवर हुई है। और 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो 6 महीने में ये चौथी बड़ी टनल है जो घुसपैठ के लिए इस्तेमाल होनी थी, जिसका पता जो है BSF ने लगाया है। और इसके साथ साथ में अभी तक करीबन 8 सालों में 10 टनल जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ करने के लिए जो पाकिस्तान ने बनाई थी उनका भंडाफोड़ जो है वो BSF ने यहाँ पर किया है। और बड़ी कामयाबी निश्चित रूप में BSF के लिए ये मानी जा रही है, क्योंकि अगर इस रास्ते जो आतंकी हैं वो घुसपैठ कर अंदर आ जाते तो निश्चित रूप में बड़ा नुकसान पहुँचा सकते थे यहाँ पर, और ख़ासतौर पर गणतंत्र दिवस के मौके पर। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर एक स्पेशल एंटी टनलिंग ड्राइव जो है वो BSF की तरफ से चलाई जा रही थी, उसी के चलते आज सुबह जो है इस इलाके के अंदर जब एक सुराख देखा गया और क्योंकि बारिश हो रही थी तो वहां से पानी अंदर की तरफ जा रहा था, तभी एक शक हुआ कि यहां टनल हो सकती है। और बाद में जब उसको खोदा गया तो अंदर एक आर्किटेक्चर का नमूना आपको जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकायदा इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर इस टनल को घुसपैठ के लिए बनाया गया था। और इसके साथ साथ में अगर हम ये बताएं, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है, इस समय बेहद ज़्यादा हाई अलर्ट पर हैं सभी के सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और इनपुट लगातार मिल रहे हैं कि पाकिस्तान समर्थक आतंकी जो हैं वो किसी बड़ी घुसपैठ की कोशिश को अंजाम देकर यहां कोई बड़ा हमला अंजाम देना चाहते हैं, जिसको लेकर ना केवल इंटेलिजेंसियां बल्कि सिक्योरिटी एजेंसियां जो ग्राउंड पर काम कर रही हैं वो भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। इसके साथ साथ में लगातार जिस तरह से घुसपैठ की कोशिशें जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भी हो रही हैं, ना केवल आतंकियों की घुसपैठ बल्कि ड्रग्स की जो खेप है वो भी भारत पहुँचाई जा रही है, ड्रोन के जरिए जो हथियार हैं वो यहाँ पर भेजे जा रहे हैं, कंसाइनमेंट पर जो यहां पर रिसीव किए जा रहे हैं। लेकिन BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना जो है वो लगातार चील की और गिद्ध की निगाहों से इन सभी हरकतों पर अपनी नजरें बनाई हुई है। और गणतंत्र दिवस से पहले इस बड़ी टनल का खुलासा हुआ है जो BSF के लिए एक बेहद सफलता वाली बात है। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।